7. कितने बड़े ब्रो होते हैं सर्वाइकल में? 7. तो जो ये आपके पास एक वॉइड 4 मिनट है वो क्या है? C7 है. अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर C7 है तो C7 के नीचे क्या होगा? P1 होगा. तो C7 से ऊपर क्या होगा? C6 होगा. तो ये एक तरीका है और एक ऊपर से आने का तरीका है, ठीक है? इसका तरीका क्या है? आप C1 पे C2 पे कैसे पहुँचोगे? इसके दो तरीके, या तो आप ऊपर से कैलकुलेट करो या तो आप नीचे से कैलकुलेट करो. अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है? अगर आप यहाँ देखो ऑक्सीपट्टी एक यहाँ आपके पास ऑक्सीपिटर होता है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटर होती होता है कि नहीं होता? पोस्टीरियर साइड पे ऑक्सीपिटर पे एक राउंडेड शेप होती है, अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ उभरी हुई एक चीज़ होती है. अपना हाथ भी पल्सेट करें तो आपको शायद फील हो कि ऑक्सीपिटर पे एक उभरी हुई सरफेस है, ठीक है? यहाँ क्या है? एक उभरी हुई सरफेस है, ठीक है? इसके पीछे आओ तो आपके पास क्या होता है? सब ऑक्सीपिटल फोसा, ठीक है? पहले क्या है आपके पास? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल पोट्रूबेरस. उसके नीचे क्या है? इधर एक डिप्रेशन होता है, वो क्या होता है? सब ऑक्सीपिटल फोसा, ठीक है? सब का परपेंट करो, डिप्रेशन फील होता है कि नहीं होता, ठीक है? इसके अंदर क्या है? C1, ठीक है? हम कहते हैं कि C1 में स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, तो आपको शार्प ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगी. आपको क्या मिलेगा? फ्लैट सरफेस मिलेगा. ये ठीक है, एक डिप्रेशन है, एक फोसा है, ठीक है? इसके साइड्स पे क्या है? सेमी स्पाइनल मसल. क्या है? सेमी स्पाइनल मसल, ठीक है? उससे पहले आपके पास क्या था? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल पोट्रूबेरस, फिर क्या है? सब ऑक्सीपिटल फोसा, और फिर क्या आता है? सब ऑक्सीपिटल फोसा में अगर C1 है तो इसके नीचे क्या होगा? C2. तो जो आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा? C2. मतलब कि आपको जो फर्स्ट एक शार्प चीज मिलेगी वो क्या होगा? स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C2. उसके बाद क्या मिलेगा? इंटरवर्टिबल स्पेस, फिर क्या मिलेगी? C3. फिर क्या मिलेगा? इंटरवर्टिबल स्पेस, फिर क्या मिलेगा? C4. ठीक है, अगर आपने परमिशन करनी है तो आपको ये पता होगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. आपने कहाँ स्टार्ट करना है? सब ऑक्सीपिटल फोसा पैकेज ऑफ, तो ये C1 है, उसके नीचे क्या है? C2, फिर C3.